हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 4 इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इडियम बताना है, स्किप करूँगी, बाद में देखूँगी। एंटोनियम बताना है फिल्थी का। हिज हाउस वॉज फिल्थी विथ पेपर्स ईटेबल्स ट्रून एवरीवेयर। फिल्थी, फिल्थी का ऑपोजिट क्लीन होता है, फिल्थी मतलब बहुत डर्टी। शी इज़ लाफिंग एट मी। आई वॉज बींग लाफ्ड इज का हो जाएगा वॉज बींग, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट, अनकम्फर्टेबल का ऑपोजिट बताना है ईजफुल, एवरीबडी नोज। Select the option that expresses the given sentence in a past tense. Decoration which come out from the office are not dependable. May not galat. Which come out of the office were not dependable. Which came out from the office, ye bhi galat. Which came out were not dependable. The management is not aware of this fact. Is not aware hona chahiye. Reasonable sahi hai. Laughable. Blessed and profane. Reasonable तो सही है, blessed double s e d सही है, profane laughable बहुत ट्रिकी है, profane भी सही है, profane गलत है, p r o f a n e होता है। या a detailed description of series of real or fictional events taking place for a long period of time, case study. Person who compiles a dictionary, डिक्शनरी को कम, लेक्सिकोग्राफर, वैसे लेक्सिकोग्राफर, पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, मुझे लेक्सिकोग्राफर, हाँ सही है। द ट्राइब हैड नो एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज एंड हैड टू रिलाई ऑन प्रिमिटिव टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर सर्वाइवल। सोफिस्टिकेटेड का एंटोनियम प्रिमिटिव। The burglar was vigilant. Vigilant का synonym बहुत ही, so he avoided the security perfectly as they didn't find any proof. Cautious. Sonali is bubbly and carefree in comparison to her sister Mithali, subdued nature. Subdued. Effervescent का antonym. सिनोनियम बताना है द केस स्टडी ऑफ वनातु इन 2020, इंटरलिंक्ड, कंटिन्यूअस। हरांग सेव नेक्स्ट। रिवर फ्लोइंग, रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। They have disposed all the disposed of to prime next. Last pen students are mysterious. Mysterious ki spelling galat hai. So option. It is an old. It is an old uniform, but a memorable thing for me. D. The audience loved her performance. Her performance was loved by the audience. Redoing had read somewhere one of his favorite writers, Ernest Hemingway, had been asked what was the best nature. He said an unhappy childhood. Ek second, best nature. Reading had enjoyed fine time growing up, but he wandered. Wasted तो नहीं होगा, wandered, if this whole नहीं, but he wondered if this whole expedition means journey
वुड बी, ब्लूम्ड ऑन वुड बी बेस्ड ऑन इन कैटेगरी, नाउ लेट्स सी, बैक अगेंस्ट द वॉल, बैक अगेंस्ट द वॉल, इसका क्या मतलब हो सकता है? ऑप्शंस देखते हैं. बी इन एन इजी सिचुएशन, इजी तो नहीं होगा कुछ, डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट फ्रॉम वेयर एस्केप इज इजी, थिंक यही होगा, आई थिंक. नेक्स्ट, हैरांग. रैंक का तो मतलब होता है लैंग एंड एग्रेसिव स्पीच. टू प्राइम द पंप, इसके एडियम का मीनिंग मुझे नहीं आता है, स्टिल मैं ऑप्शंस देखकर कुछ एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगी बिकॉज मेरे पास टाइम है अभी. तो प्राइम द पंप, पंप पे समथिंग, किसी को बूस्ट अप टाइप का करना, आई थिंक किसी को बूस्ट अप टाइप का करना होता है. तो मैनिपुलेट तो नहीं होना चाहिए, इस पे मैं लगा के मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. अब जो क्वेश्चंस मेरे मार्क फॉर रिव्यू करने हैं वो देखते हैं. 21, रीडूइंग हैड बीन समवेयर, हैड रेड समवेयर दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स अर्नेस्ट हेमिंगवे हैड बीन आस्क्ड व्हाट वाज द बेस्ट नेचर फॉर अ, ही सेड व्हाट वाज द बेस्ट नेचर, नेचर क्या होता है, आई थिंक मेडिटेरेनियन होनी चाहिए. सबमिट, देखते हैं कितने मार्क्स आया. 42.5. लेट्स सी हाउ मेनी आर इन करेक्ट. 3. थर्ड क्या था? शी इज लाफिंग एट मी, आई, ओ सिली मिस्टेक, ये मेरी सिली मिस्टेक थी. अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरीज ऑफ रियल फिक्शनल इवेंट्स टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. केस स्टडी नहीं है तो सागा. ओके, नेक्स्ट. थर्ड इज इंटरलिंक्ड का साइनोनियम बताना है. कंटिन्यूस है, इंटरलेस्ड. ओके, सो दिस वॉज इट फॉर दिस मॉक. आई स्कोर 42.5. I hope I will improve in my next mock. So thank you so much for watching the video. I hope you will be continuing the series to the next video also. Thank you.